मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को गुमराह कर इकट्ठा करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में विनय दुबे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, यानी कि उसके खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार विनय दुबे चलो घर की ओर कैंपेन चला रहा था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में इसी बात का जिक्र किया था, साथ ही अपनी एक टीम के बांद्रा में होने की बात कही है। इस मामले में पुलिस ने करीब 1000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बता दें कि लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ाए जाने के बाद मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अचानक से हजारों के संख्या में मजदूर वहां पर पहुंच गए। भारी भीड़ जुटने की वजह से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मस्जिद के पास सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो गई। इनमें वो प्रवासी मजदूर थे जो बिहार या बंगाल से थे। ये लोग ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे और इनकी मांग थी कि इन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। केंद्र से बात कर रहा हूं, मेरी केंद्र सरकार से बात चल रही है और कोई नहीं चाहता कि आप आपके मर्जी के खिलाफ कहीं ऐसे लॉकअप में पड़े हो। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ही नहीं पूरे केंद्र भी, केंद्र सरकार भी आपकी व्यवस्था करेगी। तो अब समय है चुनौती का सामना करने का, मुकाबला करने के लिए कोई हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता।